मुल्क में 30 जून तक 3 लाख के बजाय 2.25 लाख कोरोना केसेस हो सकते हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया 2 हफ्ते ऐसे आए जब बड़े शहरों में मरीजों का रश बढ़ा। 14 जून को कोरोना के हॉटस्पॉट की निशानदेही की। अब अस्पतालों में वेंटिलेटर्स और बेड्स की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। सियालकोट हाउसिंग सोसाइटी केस में नैब ने नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को दोबारा तलब कर लिया। 3 जुलाई को मतलूबा दस्तावेजात के साथ पेश होने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ आज पेश नहीं हुए थे। फिजाई हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट पर इंतजामी या अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती। पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की आलमी तंजीमों का रद्दअमल सामने आ गया। मुश्तरका बयान में कहा, रिपोर्ट को इल्जाम तराशी और भुगतान के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं। हादसात की तहकीकात का मकसद मुस्तकबिल में सानहा से बचना होता है। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। स्वाबी में सड़कें पानी में डूब गईं। इस्लामाबाद का मौसम मजीद खुशगवार हो गया।